हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेहसान स्टार्टअप्स में। और आज की इस वीडियो में हम साउथ इंडियन तेलुगु सिनेमा के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नाग अश्विन की एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर रिलीज सभी मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। वीवर एज अ डायरेक्टर नाग अश्विन की डेब्यू मूवी का नाम है ये वदे सुब्रमण्यम, जो कि 2015 को रिलीज हुई थी। और अब तक एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो कितनी मूवीज डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर चुके हैं और उनकी कितनी मूवीज हिट, कितनी फ्लॉप और कितनी ब्लॉकबस्टर रही हैं, और साथ ही साथ साउथ इंडियन तेलुगु सिनेमा में उनका सक्सेस शो क्या है एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो चलें व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो व्यूअर्स, ऐसा डायरेक्टर नाग अश्विन की डेब्यू मूवी का नाम है ये वदे सुब्रमण्यम। फिल्म की लीड कास्ट में नानी, विजय देवरकोंडा, मलाविका नैयर और रितु वर्मा शामिल थे। तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी 21 मार्च 2015 को रिलीज हुई और ये वदे सुब्रमण्यम एक एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 7.5 स्टार दिए गए थे। 12 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 17 करोड़ के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 22 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक एवरेज मूवी करार दिया गया। नाग अश्विन की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है महानदी। फिल्म की लीड कास्ट में दुलकर सलमान, कीर्ति सुरेश, समांथा अग्निनी और विजय देवरकोंडा शामिल थे। तेलुगु लैंग्वेज की मूवी 9 मई 2018 को रिलीज हुई। महानदी एक बायोग्राफी ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 8.4 स्टार दिए गए थे। 25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 71 करोड़ के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 83 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक ब्लॉकबस्टर मूवी करार दिया गया। नाग अश्विन और मल्टी डायरेक्टर्स की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी पिता कथालू। फिल्म की लीड कास्ट में श्रुति हसन, ईशा रीवा, अमाला पॉल और लक्ष्मी मंचू शामिल थे और उनका साथ दिया था जगपति बाबू और अशीमा नरवाल ने। तेलुगु लैंग्वेज की मूवी 19 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स के थ्रू डिजिटली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। थिएटर्स पर यह फिल्म रिलीज न हो सकी थी और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 5.1 स्टार दिए गए थे। अनुदीप केवी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी जाथी रत्नालू। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे नाग अश्विन। फिल्म की लीड कास्ट में नवीन पोलिशेट्टी, प्रियदर्शी, राहुल रामकृष्णा और फारिया अब्दुल्ला शामिल थे। तेलुगु लैंग्वेज की मूवी 11 मार्च 2021 को रिलीज हुई। ये कॉमेडी मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 7.3 स्टार दिए गए थे। 4 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 55 करोड़ के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 69 करोड़ 25 लाख और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी करार दिया गया और यही एज अ डायरेक्टर नाग अश्विन की अब तक रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म भी साबित हुई है। और यूर एज अ डायरेक्टर नाग अश्विन की अपकमिंग मूवी का नाम है प्रोजेक्ट के। फिल्म की लीड कास्ट में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर प्रभास होंगे और उनके साथ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से अमिताभ बच्चन सर और उनके साथ साथ दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी भी इस फिल्म का हिस्सा होंगी। तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज की एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जिसका बजट लगभग 500 करोड़ तक रखा जा रहा है और ये फिल्म 2023 में शूटिंग फ्लोर पर आएगी और 2024 तक प्रोजेक्ट के आपको थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। तो यार, ऐसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर नाग अश्विन 4 मूवीज का हिस्सा रहे हैं जिनमें से उनकी एक मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, एक मूवी ब्लॉकबस्टर और एक मूवी एवरेज रही है और उनके करियर में रिलीज होने वाली एक मूवी डिजिटली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। तो इस हिसाब से साउथ इंडियन तेलुगु सिनेमा के लिए ऐसा डायरेक्टर नाग अश्विन का सक्सेस रेशो बनता है 100%। तो व्यूअर, यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर नाग अश्विन की रिलीज सभी मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप व्यूअर्स के साथ शेयर की। आज की इस वीडियो में मौजूद एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर नाग अश्विन की इन सभी मूवीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज हैं और एज अ डायरेक्टर नाग अश्विन की अपकमिंग मूवी प्रोजेक्ट के जिसकी लीड कास्ट में सुपरस्टार एक्टर प्रभास और अमिताभ बच्चन सर शामिल होंगे, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन करेगी, कमेंट सेक्शन में इस सिलसिले में भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। अगर हमारे आज का वीडियो आप व्यूअर्स को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल मेहसान स्टार्टअप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल मेहसान स्टार्टअप्स को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा और इसके साथ मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और आप हमारी आज का वीडियो किस शहर, किस देश से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में इसे भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमें जानकर खुशी महसूस होगी कि हमारे ये वीडियो कहां कहां पर देखा जा रहा है। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत शुक्रिया।